सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने सीखा था स्वर ई। चलिए उससे शुरू होने वाले शब्द एक बार फिर से दोहराते हैं। ये है स्वर ई। ई से ईक, ई से ईद, ई से ईशु। जैसे कि हमने पिछली बार सीखा था, स्वर ई सिर्फ शब्द की शुरुआत में नहीं, अंत में भी आता है। ई से रजाई, ई से सुई। क्या आप ई स्वर की कहानी सुनना चाहेंगे? चलिए अब हम ई स्वर पर एक कहानी सुनते हैं। आज ईशु का दिन बहुत बढ़िया निकला, क्योंकि आज ईद का त्योहार है। सुबह उठकर सबसे पहले उसने अपनी माताजी के साथ ईश्वर की पूजा की। फिर वो अपने पिताजी के साथ ईदगाह गया। उसने सोचा, आज तो मैं बहुत बढ़िया पकवान खाऊंगा। पर उसकी माताजी ने बताया कि रसोई में आज ईंधन खत्म हो गया है। तो उसके पिताजी ने कहा, ईदगाह से आते हुए वो ईंधन की दुकान से ईंधन लेकर आएंगे। ईशु बहुत खुश हुआ। ईदगाह से वापस आते हुए उसे ईख के रस की दुकान दिखाई दी। उसने अपने पिताजी से कहा कि उसे ईख का रस पीना है। पिताजी और ईशु ने ईख का रस पिया और घर वापस आ गए। इस कहानी में देखते हैं ई स्वर से शुरू होने वाले शब्द। ईद, ईश्वर, ईदगाह, ईंधन, ईक। बच्चों, अब हम देखेंगे स्वर ई पांच रेखा की किताब में कैसे लिखा जाता है। लाल रेखा, नीली रेखा, नीली रेखा, नीली रेखा और अंत में लाल रेखा। सबसे ऊपर की नीली रेखा से एक खड़ी रेखा, फिर एक आधा गोला दूसरी नीली रेखा तक, वहीं से आगे बढ़ते हुए तीसरी नीली रेखा तक एक और आधा गोला, अंत में घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा। सबसे ऊपर की नीली रेखा में एक सोती हुई रेखा और नीली रेखा से ऊपर की लाल रेखा तक एक आधा गोला। चलिए फिर से लिखते हैं। सबसे पहली नीली रेखा से एक खड़ी रेखा और फिर दूसरी नीली रेखा तक एक आधा गोला, वहीं से आगे बढ़ते हुए तीसरी नीली रेखा तक एक और आधा गोला और अंत में घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा। सबसे ऊपर पहली नीली रेखा से एक सोती हुई रेखा और फिर वहां से पहली लाल रेखा तक एक आधा गोला। स्वर ई।
एक खड़ी रेखा, आधा गोला, एक और आधा गोला, अंत में घुमाते हुए नीचे की तरफ एक रेखा, सोती हुई रेखा, एक आधा गोला। स्वर ई। तो बच्चों, हिंदी की आज की कक्षा में हमने सीखा स्वर ई, उससे शुरू होने वाले शब्द, स्वर ई की कहानी, और हमने सीखा स्वर ई पांच रेखा की किताब में कैसे लिखा जाता है। तो हिंदी की अगली कक्षा में हम एक नया स्वर सीखेंगे।